सो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी? होप सब बढ़िया ही होंगे। सो फिर स्वागत है सबसे पहले तो आपका मेरे अगले व्लॉग में। तो आज भी मैं फिर से निकल पड़ा हूँ चंडीगढ़ की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर ना विंटर्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो अब ठंड बढ़ रही है। मैंने 2-3 साल से पिछले कुछ जैकेट्स के कुछ ना शॉपिंग भी नहीं की थी। सोचा आप चलो जाके देखते हैं, अब इस टाइम कुछ न्यू कलेक्शन आया होगा इलांते में। इलांते नहीं मिलता है तो अपना वही फेमस 17 सेक्टर, या चलते हैं फिर वहीं NCM। तो जाके देखता हूँ कुछ जैकेट्स मिले कुछ अच्छी। सोच रहा हूँ क्या 2-3 जैकेट्स अलग अलग वैरायटी की ट्राई करता हूँ, तो आपको भी दिखाता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ, बाकी मेरा दिन कैसा जाता है ये मैं आपको आज पूरा दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। एक ना एक चीज़ भाई मेरे साथ ना एक और बड़ी चीज़ अलग होती है कि जिस दिन भी मैं बाइक लेके निकलूं, जिस दिन मैं 2-व्हीलर में निकलूं, उस दिन हमारे ना सूरज देवता ना छुप जाते हैं, उस दिन ठंड हो जाएगी। और आज मैं स्पेशली गाड़ी लेके निकला हूँ और आज देखो भाई हमारे सूरज देवता ना बिल्कुल टॉप पर हैं। बिल्कुल यहाँ ना गर्मी हुई बढ़िया, मैंने अभी अपनी जैकेट उतार के ना पीछे सीट पर डाल ली है। अब ये मुझे नहीं पता ये मेरी किस्मत में है या क्या है, बट अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता तो यार आप भी शेयर करिए। मेरे साथ तो ऐसी चीज़ें ना बहुत होती रहती हैं। बाकी एक और चीज़, मैं ना आप हमेशा देखते होंगे मेरे ना साथ पर हमेशा कोई ना कोई सीट पर ना होता ही होता है। तो अब एक चीज़ एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगले व्लॉग में मैं आपको अपना सबसे स्पेशल जो मेरी लाइफ में सबसे स्पेशल है ना, मैं उसको मिलवाऊंगा पक्का। तब तक अगले व्लॉग का आप वेट कीजिए। तो भाई बस अब फाइनली शॉपिंग करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ अब खा लेता हूँ। एक्चुअली सुबह ना ब्रेकफास्ट नहीं मैं करके आया था, लेट उठा था बस अपना जॉब से थोड़ा फ्री होने के बाद, तो सुबह बस ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिला मुझे। अब बस जाते हो यहाँ पर मनी माजरा ना, एक मेरी काफ़ी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर ना कुलचाज मिलते हैं, अमृतसरी कुलचाज। बस अभी यहाँ पर आया था मैं, आपको भी दिखाता हूँ ये जगह। ये है भाई वो जगह, ब्रदर्स कुलचा हब। मैं इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6, तो मुझे इनका ना कुलचा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनके पास जस्ट ना कुलचे की वैरायटी मिलेगी काफ़ी ज़्यादा तरह की। इसका मैं ना एड्रेस भी छोड़ दूंगा और नीचे इसका ना मैं गूगल मैप्स का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसके थ्रू ना यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आके ना कुलचा जरूर टेस्ट कीजिए। अगर जो भी यहाँ नियर बाय रहता है ना ट्राई सिटी के, आप कालका से चंडीगढ़ से, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। इनकी एक्चुअली एक और ब्रांच भी है जो कि सेक्टर 9 में है, मैं वहाँ भी गया हूँ, बट मुझे फिर भी ये जो इनकी ये वाली ब्रांच है ना यहाँ पर आना ज़्यादा पसंद है। चलिए अब दिखाता हूँ आपको इनके कुलचा कैसे देते हैं ये। तो भाई फाइनली आ गया मेरा अमृतसरी कुलचा। मेन है इनके ये चने जिनके लिए मैं आता हूँ। लेट मी हैव अ बाइट। बहुत टेस्टी है ये वाला टेस्ट, मुझे कहीं और मिला ही नहीं। इट्स सो मेसमराइजिंग। तो भाई फिर NCM में बस अभी पहुंच गया हूँ। अभी मैं H&M गया था, मुझे वहाँ से तो अभी कुछ भी नहीं मिला, तो अभी जस्ट वेस्ट साइड आया हूँ। यहीं से बस अभी मेन सेक्शन में जा रहा हूँ, ढूंढता हूँ कुछ जैकेट्स। सो गाइस अभी इतना रश है यहाँ पर यार पंजाब में ब्लैक फ्राइडे की वजह से, कि अभी मैंने सबसे पहले मैं H&M गया, H&M कुछ नहीं मिला। सारा कुछ सुबह से ही लोगों ने बिल्कुल अपने ना यहाँ पर क्लोज ना फैला दिए हैं, कि अब मेरा देखने का मन भी नहीं किया कि अब कुछ देखा जाए। उसके बाद मैं वेस्ट साइड गया, जो जैकेट मैंने देखी थी ऑनलाइन वो इनके पास यहाँ पर स्टॉक आउट थी। मैक्स गए, मैक्स कुछ नहीं मिला। अब सोच रहा हूँ कि बस लाइफस्टाइल जाऊँगा, देखता हूँ लाइफस्टाइल से भी अगर कुछ मिलता है नहीं। बाकी हाँ बीच में ट्रेंड्स भी गया था, ट्रेंड्स का मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ पर थोड़े से प्राइस ज़्यादा है। अगर आप ट्रेंड्स का जो ऑनलाइन स्टोर है इनका जो IGO, अगर वहाँ से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे प्राइस मिल जाते हैं कंपेरेटिवली जो यहाँ पर इनका जो ट्रेंड्स में प्राइस है। बाकी बस अभी यहाँ पर कैफे कॉफ़ी डे आए थे, कुछ कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी पी के थोड़ी अपनी एनर्जी वापस रीगेन करता हूँ एंड फिर ढूंढने निकलता हूँ अपना जैकेट। यार ये ना शॉपिंग भी ना बिल्कुल भी ना एक टास्क है एक्चुअली ना, कुछ एक चीज़ देने निकलो ना कभी वो टाइम पे मिली ही नहीं है, कभी भी नहीं। सो गाइस फाइनली माय सर्च एंड्स हियर। अभी Forever 21 आया था, यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। अब देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। मैं एक जैकेट मुझे यहाँ पसंद तो आई है, ब्लैक कलर की जैकेट है, मैं भी वेयर करता हूँ उसे, आपको भी दिखाता हूँ फिर कैसी लग रही है वो जैकेट। बाकी यहाँ पर कुछ अभी ब्लैक फ्राइडे है आज, तो कुछ डिस्काउंट्स ऑफर भी चल रहे हैं,
तो अभी मैं उस डिस्काउंट का यहाँ पता करता हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे पक्का ऑफ मिलना ही मिलना चाहिए। बाकी जैकेट तो वो काफ़ी अच्छी है, अब देखते हैं फिर आगे, आपको दिखा रहा हूँ मैं उनको आप। बाकी गाइस मैं आपको अभी ना यहाँ पर ना इनका जो बॉय सेक्शन है मैं वो दिखाता हूँ, यहाँ पर ना शोर इतना ज़्यादा है। बाकी वेट मैं दिखाता हूँ आप। तो गाइस ये है इनका बॉय सेक्शन, ये कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। भाई फाइनली बस यहाँ से अब फॉरएवर 21 से मिली गई है मुझे जैकेट, अभी बस उसकी बिल पेमेंट करके बाहर ही आया हूँ। तो गाइस फाइनली अब पूरे दिन की मशक्क़त के बाद जैकेट मैंने ले लिया है, जिसके लिए आज मैं स्पेशली चंडीगढ़ आया था। पूरा मैंने हर जगह देख लिया, एलांते देख लिया और जितने भी बड़े बड़े जितने भी मॉल थे सब जगह देख लिए, इवन कि VR पंजाब में भी जितने स्टोर्स थे वहाँ भी देख लिया। जहाँ यहाँ पर ज़ारा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट NCM में, ज़ारा यहाँ पर मुझे पता नहीं था बट यहाँ पर बंद हो चुका है, जितने भी यहाँ पर मेंस के स्टोर थे मैं सब देख चुका हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यार एक बार चलो Forever 21 देख लेते हैं। तो मैं अभी जस्ट Forever 21 गया, मुझे लगा था ये लड़कियों का स्टोर है, यहाँ पर लड़कियों का ही मिलता है, बाकी कुछ ब्लैक फ्राइडे की सेल भी चली हुई थी, तो चलो हम चले गए। देखा वहाँ जाके मैंने एक जैकेट ट्राई की और मुझे पसंद भी आ गई फॉर्चुनेटली। तो एंड में जब मैंने और जगह भी अपने ऑप्शंस देखे तो डिसीजन हमारा ये बना कि फिर मैंने Forever 21 से ही जैकेट ले ली। और बस अब वहाँ पर पेमेंट करने के बाद कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट मिला मुझे ब्लैक फ्राइडे के चलते, और चलने के बाद अब परचेज़ कर ली है। अब बस अब भूख भी लग रही है, मेन चीज़ एक ये भी है। बट हाँ यहाँ से ना यहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम है VR पंजाब में, तो मेरा यहाँ पर कुछ भी खाने का तो मन नहीं किया। अब चंडीगढ़ जाता हूँ, वहीं पर कुछ लंच के ऑप्शन देखते हैं फाइनली। और आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये कितनों के साथ होता है कि अगर कहीं भी गाड़ी खड़ी करो तो वहाँ पर मॉल में गाड़ी गुम हो जाती है? भाई मेरे साथ तो कितनी बार हो चुका है और मैं हर बार ना ये पिलर नंबर ना लेना भूल जाता हूँ। अब धीरे धीरे ना इवनिंग्स में ना ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं कल चंडीगढ़ मैं ना टू व्हीलर पर आ गया और बस उस दिन ना मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा ना फर्स्ट एंड लास्ट था कि विंटर्स में अब टू व्हीलर पर आया हूँ। बस उसके बाद से मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही टू व्हीलर पर वापस आने की। पंजाब में आ जाओ ना, यहाँ पर आपको ना कोई भी ना रूल फॉलो करता हुआ बिल्कुल नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों यहाँ पर पंजाब में कोई रूल फॉलो करता ही नहीं है, सभी लोग बस चल रहे हैं, सबको जाना है, सबको जल्दी है, कोई भी ये नहीं देख रहा कि यहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं, बस सबको जल्दी जाना है। अब ये जो चीज़ है ना ये आपको चंडीगढ़ में देखने को नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ ना काफ़ी ज़्यादा ना वेल प्लान सिटी है और वहाँ पर थोड़ा सा ना कैमराज का भी रहता है। एक्चुअली ना कैमराज की वजह से तो ना मेरे भी वहाँ पर 2-3 चलान आ चुके हैं। आप चंडीगढ़ एंटर करते हो ना आपको ना बहुत ज़्यादा ना ध्यान से ही चलना पड़ता है। अगर कोई बाहर से भी है, अगर उन्होंने भी कभी सुना होगा ना चंडीगढ़ के बारे में तो यही सुना होगा कि वहाँ की पुलिस वगैरह ना काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि चलाना होते हैं और चलान फिर उसके बाद आजकल पता ही है वो कितने महंगे हो गए हैं। पहले होता था कि चलो 100-200-500 रुपये में आपको चलान आ गया, आपने भर दिया, बट आपसे छोटा जिस चलान भी ना 1000-2000 का है जो ना नहीं दे पाता हर कोई। और वैसे देना भी क्यों, क्योंकि फालतू में ही अपना चलान करवाना, और ऊपर से कुछ चलान ऐसे हैं फिर जो चंडीगढ़ पुलिस ऐसी है वो बोलती है कि आपको कोर्ट में जाके पे करना है, तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। तो ना चंडीगढ़ अगर आप भी चल रहे हो ना तो ध्यान से ही चलो यार, आजकल ना चंडीगढ़ के कैमराज वगैरह ना काफ़ी एक्टिव हैं, वो कभी भी ना आपको छोटी सी गलती पर भी ना आपका वो चलान आपके ना घर भेज देंगे। फिर बस बढ़ते रहिए चलान। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे, मैं बस एज़ यूजुअल व्लॉग का एंड करना फिर से भूल गया था, तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो यहीं से मिलेगी। सो कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड एज यूजुअल अगर आपका कोई भी मेरे लिए कुछ कमेंट होता है, कुछ सजेशन होता है, आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ नीचे डाल सकते हैं। सो गाइज मिलता हूँ बस आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।